पिछले दिनों हाड़ौती संभाग में भीषण गर्मी के चलते लोकल सब्जियों को काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में अधिकतर सब्जियों की आवक बाहर से ही हो रही है। ऐसे में थोक फल सब्जी मंडी में सब्जियों के दामों में कुछ तेजी देखी जा रही है। गर्मी के चलते इन दिनों बाजारों में गिनी चुनी ही सब्जियां ही लोगों को मिल रही है। वहीं अमूमन सब्जियों के दाम 40 से 50 रुपए प्रति किलो है। पिछले दिनों पड़ी भीषण गर्मी और हीट वेव के चलते संभाग में अधिकतर सब्जियों की फसल खराब हो चुकी है। स्थानीय क्षेत्र से माल की सप्लाई कम होने से बाजार में माल बाहर से आता है, जिसमें माल भाड़ा और टैक्स के कारण दाम बढ़ जाते हैं। जब लोकल सब्जियों की आवक शुरू होगी तभी भाव कम होते हैं, जबकि अन्य सब्जियां सामान्य हैं। वर्तमान में आलू 25 से 30 रुपए प्रति किलो बिक रहे हैं, जबकि करेला 40 से 50 रुपए प्रति किलो, नींबू 100 से 120 रुपए प्रति किलो बाजार में उपलब्ध है। टमाटर की बात करें तो यह 20 से 30 रुपए प्रति किलो, गोभी 50 रुपए किलो, मिर्ची 50 से 60 रुपए प्रति किलो बिक रही है। की वजह से गर्मी बहुत तेज थी, लू की वजह से सब्जियां बहुत सारी खराब हो गई है, इसलिए थोड़ी महंगी हुई है, लेकिन फिर भी 30-40 रुपए किलो, 50 रुपए किलो में बढ़िया सब्जियां मिल रही है। अभी मिर्ची की रेट 50-60 रुपए किलो हो रही है, नींबू भी 100 रुपए किलो में है और टमाटर 20-30 रुपए किलो है। गर्मी की वजह से थोड़ी महंगी हुई है, लेकिन अभी कुछ माल ज़्यादा महंगी नहीं है। आने वाले समय में दाम बढ़ने की उम्मीद है क्या? और ज़्यादा दाम बढ़ेंगे क्योंकि माल खत्म हो जाएगा गर्मी की वजह से, तो और ज़्यादा रेटें बढ़ेगी आने वाले समय में, थोड़ी रेट महंगी हुई थी।